स्वागत है दोस्तों। आज का जो एपिसोड है वो रहेगा कोरोना वायरस के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में हैं एंड दे आर डिस्टर्बिंग सो मच। सो आज जितना हम लोगों को पता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन के बाद, डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन के बाद जितना पता चला है, उतनी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये बेसिक लोगों के लिए है और एडवांस लोगों के लिए भी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो पर्सन जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बायोलॉजी की, वो भी इस वायरस को थोड़ा बहुत समझ पाए और बचाव कर सके और लोगों की हेल्प कर सके और अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब तो न्यू, क्योंकि इसकी वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है और ये बिल्कुल न्यू वायरस है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, इसलिए यहाँ पे नोवल लगाया हुआ है। वायरस का मतलब क्या है? वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो बिना होस्ट के डेड होता है, बट जैसे उसको होस्ट मिलता है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है, ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ, वायरस जो है वो एक होस्ट मिलने पर अपने आप को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे होस्ट एक एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कोई भी होस्ट हो सकता है एक वायरस के लिए। अब ये जो कोरोना वायरस है ये स्पेशली पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। इट इज अ क्राउन शेप वायरस फाउंड मोस्टली इन एनिमल्स। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये हुआ नोवल कोरोना वायरस, एक वायरस जो एनिमल्स के अंदर मिलता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं मिलता है, बट वो वायरस एनिमल के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो गया है? ह्यूमंस में। जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई वायरस एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाए, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ वायरस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर कैसे जिंदा रहना है और कैसे ग्रो करना है। So why this is so serious, अगर आप देखेंगे इसको coronavirus 2 को, why this is so serious? Because ये अभी 70 से ज़्यादा countries के अंदर बहुत ही fast spread हो चुका है। It is very very spreadable disease. India के अंदर 125 से ज़्यादा हमारे पास अभी cases आ चुके हैं coronavirus के and a few deaths also. So this is getting serious and maybe this is the beginning only. अभी peak पर हमें पहुँचना बाकी है, बिकॉज ये जो डिजीज है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अभी ये कोरोना वायरस एनिमल्स के अंदर जो वायरस मिलता है वो ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। तो एक बार हम कोरोना वायरस की हिस्ट्री देखते हैं, कब कब हम लोगों को जानवरों से इंसानों के अंदर वायरस ट्रांसफर मिला और तब क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को हुई। तो सबसे पहला जो ट्रांसफर हुआ था वो था 2003 के अंदर, जहाँ चमगादड़ बैट से ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस आ गया था। इसको हम लोगों ने बोला था SARS कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती थी और इसमें डेथ परसेंटेज थी 15%, मतलब 100 लोगों में से लगभग 15% लोगों की डेथ हो जाएगी अगर किसी को ये वायरस लग गया तो। सो दिस वॉज वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ वायरस, बट इसकी स्प्रेड रेट थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। उसी तरह से 2012 और 2015 में कैमल से, ऊंट से वायरस ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हुआ, उसको बोला MERS कोरोना वायरस, दैट वाज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसके अंदर डेथ रेट थी 25%। तो अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो जाती है, वायरस हो जाता है, तो उसमें से लगभग 25 लोग नहीं बच पाएंगे। So these two coronavirus were so deadly, और इनकी दोनों की स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा लो थी। अब अगर इसकी बात करें हम लोग, 2020 में जो कोरोना वायरस आया है, ऐसा बोला जा रहा है अभी कि सी फूड से, स्नैक्स के थ्रू ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हुआ है और इसको सार्स को कोरोना वायरस 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसा है, इसके जैसे सिम्टम शो कर रहा है, बट एक चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें डेथ रेट नियरली 3% अभी तक ऑब्जर्व हुई है, अबाउट 3%, और इसकी स्प्रेडेबल रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर एक वायरस कम लोगों में स्प्रेड होकर ज़्यादा को मार रहा है,
ये वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार तो कम लोगों को रहा है बट स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। सो हम लोगों को इसके स्प्रेड को रोकना पड़ेगा जब तक हम लोगों के पास इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है। आगे बात करते हैं, अगर किसी को ये वायरस हो जाता है, आ जाता है बॉडी के अंदर, तो किस किस को रिस्क है, किस किस को रिस्क नहीं है। देखिए 80-85% लोगों को कुछ भी रिस्क नहीं है, किसी भी तरह का रिस्क। क्यों? क्योंकि ये जो है वो लो इम्यून सिस्टम वाले लोगों को को डिस्टर्ब कर सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम लो है उन्हीं को ही ये वायरस ज़्यादा अटैक करेगा और डिस्टर्ब करेगा। जैसे लो इम्यून सिस्टम किनका हो सकता है, जैसे जिनकी एज 40 प्लस है और जिनको कोई हेल्थ इशू है। देखिए 40 प्लस मेरे हमारे पास तो 50 प्लस की एज वाले लोग भी ऐसे हैं जिनको जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है अभी, दे आर सो हेल्दी, तो उन लोगों को रिस्क नहीं है। बट अगर 40 प्लस के बाद हेल्थ इशू है, इम्यून सिस्टम डाउन है, तो उसको रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी को अस्थमा या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इशू है तो उसको रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसको इशू बढ़ जाता है, बिकॉज उस कंडीशन पे इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। स्मोकर जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज रहता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ज़्यादातर लोगों को रिस्क नहीं है, वो वायरस आएगा, थोड़े से फ्लू के सिम्टम्स देगा और फिर निकल जाएगा। बट इन लोगों को रिस्क हो सकता है, तो इफ़ यू आर आउट ऑफ दीज प्लीज आप थोड़ी सावधानी बरतें। अब सबसे जरूरी चीजों के बारे में जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है वो कौन कौन सी बातें। सबसे पहले तो हमें इसको स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा। स्प्रेड होने से रोकेंगे कैसे? आपको, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है, अभी तक इलाज नहीं है, तो अगर आप इसको स्प्रेड होने से नहीं रोकोगे तो हो सकता है कि वो इन लोगों तक पहुंच जाए। अगर हमने स्प्रेड होने से रोक लिया तो वो इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनके डैमेज होने के या डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लव्ड वंस कुछ इनमें काउंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके अलावा एजड लोग या बीमार लोग इसके अंदर काउंट होते हैं। तो हमें इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं कोरोना के, तो आप मास्क पहनिए और लोगों से दूर रहिए। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को अगर आ जाता है कोरोना, तो आप उनको सेपरेट रखिए कुछ दिन तक, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, क्योर नहीं हो जाते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खांसीए और छींके तरीके से, गलत तरीके से खांसना और छींकना हम बरसों से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो मे बी पॉसिबल यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ कोरोना और आप स्प्रेड कर रहे हैं बीमारी को। तो अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से खांसते हैं या फिर छींकते हैं। बट आप ध्यान रखिए, जब भी आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, आप इस तरह से खांसे या छींक। अब इससे क्या होगा, आपने चीजों को स्प्रेड नहीं किया लाइक दिस, आपने अपनी शर्ट के ऊपर ही अपने वायरस को स्प्रेड किया। अब आप जब शर्ट उतारेंगे तो वायरस उसके साथ निकल जाएगा, मोस्ट ऑफ द वायरस, और आपकी शर्ट धुलेगी तो उसके साथ क्लीन हो जाएगा। एंड लाइक दिस यू कैन लोअर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। फेस को बार बार टच ना करें। अगर आपकी आपको कोरोना वायरस हाथ में लग गया और आप बार बार अपने फेस को टच कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एंटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ घंटों में कोरोना वायरस की लाइफ ज़्यादा नहीं है, कुछ घंटों में हीट अगर ज़्यादा है तो 2-4 घंटे के अंदर वो डेड हो जाता है। तो उस कंडीशन पर आपको दिक्कत नहीं होगी। सो जितना कम हो सके अपने फेस को टच कीजिए। कोरोना 30-35 डिग्री टेम्परेचर में सबसे अच्छे से जीता है। तो जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगी, हीट बढ़ेगी, वैसे वैसे कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली, इसका स्प्रेड जो होगा वो कम होता जाएगा। तो पेशेंस रखें और कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा क्लीन रहें, जितना ज़्यादा साफ़ सुथरे रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं, कपड़े बार बार चेंज करें, एंड बी क्लीन, 2 बार नहाइए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ये जो वायरस है वो एंटर ना हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो कैसे पता लगे कि उसको कोरोना वायरस है बॉडी के अंदर। तो देखिए, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, कफ नहीं है खांसी के अंदर, तो ये पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग। अगर आपको सर्दी है, आपको खांसी है और आपको खांसी के साथ कफ भी आता है गले के अंदर, तो ये एलर्जी हो सकती है। अगर आपका नाक भी बह रहा है, आपको ठंड है थोड़ी, आपको कफ आ रहा है, ये एलर्जी हो सकती है। अगर आपको ठंड है, साथ में खांसी भी आ रही है, कफ भी आ रहा है, साथ में फीवर भी है, तो ये फ्लू हो सकता है आपको, नॉर्मल फ्लू या फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर आपको फीवर है,
साथ में आपको सूखी खांसी आ रही है, साथ में आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बॉडी आपकी पेन कर रही है, उस कंडीशन पे आपको कोरोना हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको फीवर भी है, आपको खांसी भी आ रही है, ड्राई खांसी, आपको ब्रीदिंग इशू है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको बॉडी पेन आपका हो रहा है, तो आप सीधे जाके अपना चेकअप करवाइए। इंडियन गवर्नमेंट ने 52 लैब सर्टिफाइड की हुई है जहां पर जाकर आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। और घबराने की बात नहीं है, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं तो फटाफट से चेकअप करवाइए ताकि जितना जल्दी हो सके वो लोग आपको क्योर कर सके। और ऐसा नहीं है कि लोग इसमें क्योर नहीं हो रहे, ज़्यादातर लोग तो क्योर हो रहे। तो अगर आपको ये इशू है दोस्तों, सो प्लीज़ गो टू द लैब एंड गेट टेस्टेड, और कुछ दिन लोगों से दूर रह के अपने आप को ठीक करें एंड देन कम अगेन इन द सोसाइटी। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कोरोना वायरस। अगर कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। एंड ये टाइम है जब हम लोगों को इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोकना है, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती। इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन टेक 2 मंथ, इट कैन टेक 6 मंथ, वी डोंट नो। एंड जितना हम स्प्रेड होने से रोकेंगे उतना हम लोग सेफ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखने मिला, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि जितना हम लोग इस वायरस के बारे में जानेंगे उतना हम लोग इसको ईजिली बीट कर सकते हैं। हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं इनको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। पीस।